From that memory size, we need to find out the address lines and number of data lines. तो हमारा आज का एजेंडा, we have only these two topics to cover, and थोड़ा बहुत है, but हम कुल्ली बढ़ने वाले हैं. Don't take tension, आपको कुछ नहीं करना है. You just have to come up with your notebook and pen. That is important, क्योंकि बाद में आपके पास कुछ material नहीं रहने वाला है. So let us start with the today's topic. As we have discussed enough about the pin diagram of 8051 microcontroller. ये 40 pin की IC है. Pin number 40 is VCC, 20 is ground, 18 and 19 is your crystal oscillator. Pin number 9 is reset. And then you have four ports. That is on left hand side you have odd ports and on right hand side you have even port. Then we have labeled pin number 29, 30 and 31 as EA pin, ALE and PSEN. So first of all, we are going to learn the function of that three pin, because for next topic, that is interfacing of memory with microcontroller, for that topic, these three pin connections are important. Okay? So let us start with our lecture. So the functions, if you have pen and notebook, keep it with you, don't write now. First of all, we will discuss it, and then you have to make a copy into your notebook. Okay? These three pins are important whenever you have external memory. हमने कल देखा कि there might be a chances that कि 8051 में जो 128 bytes की RAM है and 4K ROM है, that memory is not sufficient. Remember one thing, जो fixed वाला program है, that is always available in ROM. When it comes for the execution, it will get executed in RAM. ठीक है, so 8051 के पास 128 bytes की RAM है और 4K ROM है. ये आज तक हमने 50 बार तो देखा है. That memory is not sufficient. तो कल हमने solution क्या निकाला कि ठीक है, उतनी जगह sufficient नहीं है. Then we will connect the external memory. ठीक है, तो वो जो external memory हम connect करने वाले हैं, उसको three types of buses रहते हैं. Address bus, data bus and control bus. Control bus में read, राइट और एक और कनेक्शन रहता है जो मैंने कल नहीं बताया था, विच इज चिप सिलेक्ट. तो एक्चुअली ये मेमोरी का टॉपिक है ना, वो आपके फर्स्ट ईयर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत हुआ है, बट डोंट वरी, उसको आपको वो मतलब स्ट्रेस देके कुछ याद नहीं करना है, हम फिर से सीखने वाले हैं. तो हमने कल देखा कि अगर आपको एड्रेस कनेक्ट करना है मेमोरी का, तो आइदर वी विल नॉट आइदर विल यूज P0 एंड P2 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. ठीक है, जो मेमोरी के डेटा लाइंस है, दैट वी विल कनेक्ट इट टू पोर्ट 0 कंपलसरी. देयर इज नो अदर ऑप्शन. मतलब किसी ने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा इनोवेशन करता हूं और डेटा लाइंस जो है मेमोरी के, दैट आई विल कनेक्ट टू P1, not allowed. It will not give you the appropriate result. It will not have the data transfer. So compulsory because it is defined in architecture. Ye jab aapne agenda decide kiya tha for 8051, un engineers ne ye pehle se hi decide kiya hai ki port 0 pe hi data connect hoga. Data lines are always 8 bits. Usse zyada, मतलब एक ने कभी मुझे डाउट पूछा था कि मैडम अगर 8 बिट से ज्यादा डेटा लाइंस है तो कहाँ पे कनेक्ट होगी. सो इट कम्स टू अ बेसिक नॉलेज दैट कि हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं उसकी साइज ही 8 बिट है. सो वी विल नॉट हैव द ग्रेटर देन 8. सो मैक्सिमम हमें डेटा बिट्स मिलेंगे 8. वी कैन हैव लेस देन 8 डेटा बिट्स, बट कभी आप हम जो एप्लीकेशंस देखने वाले, फॉर दैट मैटर वी विल नॉट हैव लेस देन 8 डेटा बिट्स और 8 डेटा लाइंस, ऑलवेज वी विल हैव 8. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन. फिर एंड में, लेक्चर के एंड में, वी हैव सीन पोर्ट 3 फंक्शन.
दैट पोर्ट थ्री फंक्शन के बारे में व्हाट वी हैव लर्न, अल्टरनेट फंक्शन इट इज कॉल्ड एज, बट मैं मुझे अल्टरनेट कहना अच्छा नहीं लगता, तो आई ऑलवेज से इट इज अ स्पेशल फंक्शन गिवन फॉर द पोर्ट थ्री. स्पेशल कुछ तो दिया है उनको. तो स्पेशल में हमने देखा कि रीड और राइट पिन भी है वहां पे पोर्ट थ्री में, और मेमोरी का जो कंट्रोल लाइन है उसमें भी रीड और राइट का कनेक्शन है. तो मेमोरी के साइड में जो रीड और राइट सिग्नल है, एंड माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट थ्री जहां पे है वहां पे भी यू हैव रीड एंड राइट सिग्नल. सो वो दोनों का कनेक्शन करना है. ठीक है, तो ये कल हमने पूरा सीखा है. आज हमें क्या देखना है कि मेमोरी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट माइक्रो कंट्रोलर को वो कैसे पता चलेगा. अभी 8051 है अगर, तो उसमें क्या रहेगा, ये सफिशिएंट नहीं है रॉम 4K, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हैं. ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट आपके पास. तो आप सोचो कि आपके पास एक डिवाइस है जो इंटरनल है, आपके घर के अंदर है, और एक डिवाइस जो है वो घर के बाहर एज अ स्टोरेज करके आप रख रहे हो, दैट इज यू आर यूजिंग दैट एज अ एक्सटर्नल. कि बालकनी, चलो बालकनी इज एक्सटेंशन फॉर द स्टोरेज, ऐसा अज्यूम करो, नॉन टेक्निकल. तो मेरी जो बुक है वो इंटरनल मेमोरी, मतलब कमरे के अंदर है या बालकनी में है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस ईए पिन. सो नाउ ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, ईए पिन, एक्सटर्नल एक्सेस, एंड इट इज इनपुट पिन. इनपुट पिन मतलब क्या, जब आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो देन यू हैव टू गिव इनपुट टू दिस पिन. तो हमें इसको कहीं पे तो कनेक्ट करना पड़ेगा. उससे क्या पता चलेगा माइक्रो कंट्रोलर को कि जो प्रोग्राम है वो 4K रैम रोम में है या जो एक्सटर्नल जो हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं उसमें है. क्योंकि सोचो हमारे पास 4K सफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से हम एक्सटर्नल कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में रहेगा. कुछ प्रोग्राम का पार्ट या कुछ प्रोग्राम्स ये ऑन चिप रोम में रहेंगे, मतलब 4K में घर के अंदर, और कुछ जो है प्रोग्राम या कोड दैट विल बी अवेलेबल आउटसाइड दैट कोड और आउटसाइड दैट मेमोरी, मतलब जो हमने अभी एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहा किया है. तो कोड अंदर भी हो सकता है विच इज कॉल्ड एज ऑन चिप रॉम, और कोड बाहर भी हो सकता है. तो इन दोनों में से कोड कहाँ पे है दैट विल गेट आइडेंटिफाई विद दिस ईए पिन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ एक्सटर्नल एक्सेस. तो कॉमन सेंस है, अगर वो ग्राउंड को कनेक्ट है दैट मींस, क्योंकि अगर आप एक्चुअल डायग्राम देखोगे ना तो वहां पे आपको समझ में आएगा ईए इज नॉट एक्चुअली ईए. यहाँ पे डायग्राम में देखो पिन नंबर 31, ठीक है, यहाँ पे ईए और एक डैश है, दैट डैश मींस बार. सो आप नोटबुक में लिखो ईए बार. ईए बार मतलब बार वर्ड नहीं लिखना है आपको, ईए के ऊपर आपको एक बार देना है, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना वैसे. तो उससे क्या पता चलता है, इट विल हैव ऑप्शन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू लो लॉजिक. ठीक है, बार मतलब लो. सो इफ यू सी दिस 31 पिन नंबर, इट इज ईए बार. एक्चुअली पिन नंबर 30 इज ईएलई, तो उसमें कुछ एक्टिव लो का फंक्शन नहीं है. लो मतलब ईए बार कब एक्टिवेट होगा, जब आप उसको जीरो सिग्नल दोगे तो वो एक्टिवेट होगा. ईएलई को आप जीरो देने की जरूरत नहीं है, इट विल बी डिपेंडेंट. और 29 पिन नंबर विच इज प्रोग्राम स्टोर एनेबल, तो उसको भी डैश है, डैश मतलब बार.
तो हमेशा अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाए, ये जो आज का टॉपिक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हार्ड एंड सोल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर वन में ये हमेशा पूछते ही, अप्रैल में भी एंड अक्टूबर, दैट इज इन बोथ द सेमेस्टर्स. सो राइट द फंक्शंस ऑफ ALE, PSEN बार एंड EAPIN. तो आपको यही लिखना है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड में है. सो आप नोटबुक में लिखो प्लीज. EA बार, द फुल फॉर्म इज एक्सटर्नल एक्सेस, ब्रैकेट में लिखो इनपुट पिन. तो ये अभी हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, क्योंकि EA बार है. सो व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, प्रोग्राम कहाँ पे मिलेगा आपको, बालकनी में. सो द प्रोग्राम इज स्टोर इन एक्सटर्नल मेमोरी. सो हम प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं, दैट मीन्स इट इज रॉम. सो प्रोग्राम आपको कहाँ पे मिलने वाला है, एक्सटर्नल मेमोरी में. और अगर आपको प्रोग्राम इंटरनल मेमोरी से लेना है, इंटरनल मतलब जो चिप के अंदर है, घर के अंदर है, तो आपको ईए पिन कहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी, VCC. नॉर्मली वो VCC को कनेक्ट रहेगी. अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी से कुछ कनेक्शन है, बालकनी में कुछ काम है, देन ओनली ईए पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड. यही ध्यान में रखो, बाकी डेफिनेटली आने वाला है. सो की पॉइंट, ईए कनेक्टेड टू ग्राउंड डैश एक्सटर्नल रॉम, दैट्स इट, जो हमने अभी कनेक्ट की है. तो ये आपको क्यों ध्यान में रखना है, जब हम डायग्राम निकालने वाले हैं, तो ये जो ईए पिन आ रही है ना, पिन नंबर 31, इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, पिन नंबर 31 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इट्स एक्ट एज अ ईए पिन. ये एडिशनल पार्ट है फॉर द डेकोरेशन ऑफ योर आंसर. ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा. इसमें से की पॉइंट इतना ही है, ईए पिन कनेक्टेड टू ग्राउंड मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी इज देयर, और डेटा सॉरी प्रोग्राम इज एट एक्सटर्नल मेमोरी. अभी विल गो टू ALE. कल मृणाल ने जाते जाते मुझे आंसर दिया था कि एड्रेस लैच एनेबल. सो मैंने आपको पूछा था कि पोर्ट जीरो के दो फंक्शंस हैं. क्या क्या फंक्शन है, यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो. इट कैन एक्सेस एज एड्रेस और इट कैन एक्सेस एज डेटा. सो उसको दो काम एट ए टाइम करने हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें डेटा दे रहा है या एड्रेस दे रहा है, टू गेट नॉलेज अबाउट इट कि वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, वी नीड टू हैव दिस एड्रेस लैच एनेबल एंड इट इज आउटपुट पिन. तो ये ऑटोमेटिकली हाई और लो होने वाली है, हमें कुछ नहीं करना है. ये ऑटोमेटिकली वेन एवर यू विल हैव द एक्सटर्नल मेमोरी, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली हाई या लो होने वाली है. तो हाई का मीनिंग क्या है, जब ALE पिन, ये समझ के लो हाँ, व्हेन ALE पिन इज हाई, जो ऑटोमेटिकली होने वाली है, इसका मीनिंग ये है अभी P0 का जो काम है वो एड्रेस का काम है. तो माइक्रो कंट्रोलर को क्या पता चलता है, अभी जो P0 से मेमोरी की तरफ भेजना है, दैट इज एड्रेस, क्योंकि P0 को दो काम है. मेरे पास दो काम है, लेक्चर्स लेना और मेरा क्लास टीचर का काम है. तो मुझे कैसे पता चलेगा अभी मेरा कौन सा रोल है, तो मेरे पास जब वन आता है, देन मुझे समझ में आता है कि मुझे लेक्चर कंडक्ट करना है. एंड व्हेन आई एम गेटिंग अ पासवर्ड और कोड एज जीरो, तो मुझे पता चलता है कि मुझे अटेंडेंस लेना है सब टीचर्स की तरफ से, या आपको एज अ क्लास टीचर कुछ बताना है. सो दैट इज माई आइडेंटिफिकेशन. तो पोर्ट जीरो को कैसे पता चलेगा, ये मल्टीप्लेक्सिंग होगा. मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, एड्रेस और डेटा.
Who is going to select? ALE is going to select whether data is to be taken or address is to be taken. तो ये मल्टीप्लेक्सिंग वाला जो सर्किट है ना, वो पोर्ट जीरो के आर्किटेक्चर में रहता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग. तो अगर वन है तो इसका की पॉइंट आप कैसे ध्यान में रखोगे? व्हेन एएलई इज वन एड्रेस, दैट्स इट. सो सेकेंड ऑप्शन आपको पहले से पता रहेगा. मैं कैसे ध्यान में रखती हूँ? ईए पिन ग्राउंड एक्सटर्नल मेमोरी, एएलई वन एड्रेस. तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो हमें क्वाइट ऑब्वियस आता है. सो दिस वॉज अबाउट दिस टू पिन. एंड लास्ट पिन, प्रोग्राम स्टोर एनेबल और स्टेटस एनेबल, यू कॉल इट एज अ, जो मैंने आपको बताया था. लेट मी चेक. हाँ, ये डायग्राम, दिस डायग्राम. इस डायग्राम में कैन यू सी सी दिस चिप सिलेक्ट पिन? ये क्या करेगा? उस पर्टिकुलर मेमोरी चिप को एक्टिवेट करेगा, जस्ट लाइक एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन और एनेबलिंग और डिसेबलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चिप. अगर ये चिप सिलेक्ट पिन आप कनेक्ट नहीं करते हो, देन ये पर्टिकुलर मेमोरी इट विल नॉट गेट सिलेक्टेड. तो इफ यू वॉन्ट टू हैव द सिलेक्शन, कंपल्सरी यू हैव टू कनेक्ट दिस चिप सिलेक्ट पिन. तो मैंने आपको बोला था रीड कहाँ पे कनेक्ट करना है, राइट कहाँ पे कनेक्ट करना है, हमें पता चला. एड्रेस कहाँ पे कनेक्ट करना है, पोर्ट जीरो या पोर्ट टू में कनेक्ट करना है. डेटा कहाँ पे जाएगा, कंपल्सरी विथ पोर्ट जीरो. ये चिप सिलेक्ट कहाँ पे जाएगा, दैट चिप सिलेक्ट यू हैव टू कनेक्ट डायरेक्टली विद दिस प्रोग्राम स्टोर एनेबल. कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. PSEA पिन माइक्रोकंट्रोलर के साइड में है और ये चिप सिलेक्ट जो है वो मेमोरी के साइड में है. सो यू विल हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर चिप सिलेक्ट एंड PSEN. ये हम डायग्राम में करने वाले हैं, दैट वी विल कनेक्ट प्रोग्राम स्टोर एनेबल डायरेक्टली टू अवर चिप सिलेक्ट पिन. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू टू मोर मिनट्स एंड मीन वाइल यू हैव टू राइट विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन कि जस्ट राइट इट डाउन इन टू योर नोटबुक. ई ए ग्राउंड एक्सटर्नल मेमोरी, एली वन एड्रेस, पी एस ई एन डैश चिप सिलेक्ट, ऐसे कर दो तो आपको पता चलेगा. प्लीज राइट इट डाउन इन टू योर नोटबुक. आई विल वेट फॉर 2 मिनट एंड इफ मीन वाइल अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप है ना मुझे पूछ भी सकते हो इन चैट बॉक्स. सो मीनवाइल आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन टू योर नोटबुक. मैं स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन नहीं रखने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन बाई यूर सेल्फ. मैं फिर से बताती हूँ, 3 पिन्स है. ई ए स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, एल ई स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच एनेबल. ये तो ना we have 62 login means minus 2, 60 students are there. So 60 student को at least full form, उनके pin connection और उनका function क्या है, ये 3 points तो आने ही चाहिए क्योंकि it is straightforward question asked in university exam. And third is PSEN, program store enable pin. पिन नंबर 31 इज ई ए, पिन नंबर 30 इज एल ई, पिन नंबर 29 इज पी एस ई एन. ई ए ग्राउंड एक्सटर्नल एक्सेस, एल ई वन एड्रेस, पी एस ई एन चिप सिलेक्ट, दैट्स इट. तो आधा घंटा, 25 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग दिस 3 पिन्स.
cut short, only 3 points are important. That's it. So may I'm going to wait for 1 minute now. Complete hone ke baad, just write down done into chat box. Meanwhile, just draw this diagram also into your notebook. Jab tak baki logo ka ho raha hai, jinka hua hai, they can draw this diagram one more time. Tab tak baki log bhi done karke bhej do for functioning of first three pins 31, 30, 29. और ट्राई करो, डोंट राइट दैट 128 by 8, ये जो वाला पार्ट है ना, ये मत लिखो, मैंने गलती से लिखा है. जस्ट राइट डाउन ओ मेमोरी ओनली. दोज हु हैव कंप्लीटेड, दे कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इनटू योर नोटबुक. दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन. अनम्यूट करके डाउट भी पूछ सकते हो, या कुछ आपको समझ में आया है नहीं आया है बोल सकते हो. मैं हमेशा बोलती हूँ बट कोई अनम्यूट ही नहीं करता. डन. ओके, सो आई विल अज्यूम दैट मैक्सिमम ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द थिंग्स. ओके श्रेयस. और हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको कभी मेमोरी के बारे में डाउट्स है या कुछ भी है, सिंस वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो आप क्या करो, वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम, गो थ्रू दिस मेमोरी पार्ट. ठीक है, कैश, वर्चुअल मेमोरी, देन यू हैव मेमोरी रिलेटेड मैपिंग टेक्निक्स, देन यू हैव, शायद आपको नहीं था उस सिलेबस में, लेट इट बी. बट मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना, गो अहेड विद दैट मेमोरी मैनेजमेंट. यू विल गेट टू नो दैट कंप्यूटर जो मैनेज करता है ना मेमोरी के लिए, हम सिर्फ, मतलब मैं अभी क्लिक कर रही हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज देयर इन टू द मेमोरी. कंप्यूटर को वो सर्च करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं, बट वेन इट कम्स टू स्टोर दैट थिंग इन टू द मेमोरी, वो जो करता है ना, इट इज एन रियली रियली डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट. जब आपका जो सिलेबस अभी आया है आपको सेकेंड सेम में, फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेम, उसमें मेमोरी टॉपिक था, बट एट एसवाई लेवल व्हाट हैपेंस, एसवाई लेवल में वो ज्यादा डीप था मेमोरी का टॉपिक. और जब आप टीवाई में जाते थे, माइट बी यू हैव दैट ओएस कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सब्जेक्ट था, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट था. अगर कभी आपको यूनिक्स का बुक मिलता है, बाग करके यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बुक कभी मिलता है, फ्रॉम दैट बुक प्लीज रीड मेमोरी. मैंने 2 बार पढ़ा है, फिर भी आई हैव मेनी डाउट्स रिलेटेड टू मेमोरी. और जब मुझे ये पूरा पता चला कि अपना प्रोसेसर जो हम निग्लेक्ट करते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने ना, मुझे तो ऐसे लगता है रोज एकाध बार नमस्कार करना चाहिए वो सीपीयू को. इट इज जस्ट एंड ट्रिमेंडेंस, डो इट इज इन्वेंटेड बाय अस, मतलब ह्यूमन में, ह्यूमन ने इन्वेंट किया है सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट,
बट वो जो करता है ना स्पीड, देन आपको डेटा सर्च करके देना, या आपने 1000 लाइन का भी कोड लिखा, आपके सी लैंग्वेज में आप लिखो, इट विल नॉट हैव एग्जीक्यूशन मोर देन 1 मिनट. और वो 1000 लाइन का कोड करते वक्त उसको कितना सारा डेटा कहाँ कहाँ से लेना रहता है, और सिर्फ लेना नहीं है, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर पार्ट एक्चुअली है, आपके एडर सब्ट्रैक्टर या जो कुछ भी है, उनको वो डेटा प्रोवाइड करना, फिर वो हार्डवेयर वाले सर्किट कैलकुलेशंस करेंगे, एंड देन अगेन इट इज गिवन टू प्रोसेसर, और ये सारा प्रोसेसिंग करके फिर स्क्रीन पे आउटपुट देना. दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोसेसर. मेमोरी को मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. अभी हमारे घर में सपोज 4 रूम का फ्लैट है, सपोज, ठीक है. नॉर्मली वी हैव सिक्स, मतलब नंबर ऑफ पीपल एट होम, ठीक है, 6 लोग हैं वो रहते हैं, ओके है रेशो. बट क्या होता है, अचानक से आपके घर में 50 लोग आते हैं इमीडिएटली, कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, एंड यू हैव 15 पीपल, सॉरी 50 पीपल एट अ टाइम. आप 6 और वो 50, 56 हो गए. नाउ यू हैव टू मैनेज स्पेस. आप सोचो, इस सिनेरियो में बाहर नहीं जा सकते, एंड यू हैव टू गिव द प्लेस फॉर ईच एंड एवरी मेंबर. यहां तक तो ठीक है. और 50 आ गए, तो अब सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ आप, आपके घर में 1500 स्क्वायर फीट का घर है, ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उसमें 100 लोग आपको ऑक्यूपाई करके देने हैं. आपका टास्क है, यू आर अ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मेंबर, मेमोरी आपको वो या जगह आपको मैनेज करनी है 100 तक. चलो, हर एक को खड़ा करके आप कैसे तो मैनेज करोगे. मैंने एट ए टाइम आपको 1000 दिया, कि अभी ये 1000 लोग जो है ना, यू हैव टू गिव द स्पेस टू देम. तो ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एग्जागरेट करके बता रही हूँ, बट एक्चुअली हमारे मेमोरी में, मतलब कंप्यूटर में, अभी ये सारा प्रोसेसिंग हो रहा है. कंप्यूटर वो मैनेज करती है, प्रोग्राम जो है वो एक जगह पे नहीं रखा जाता. जब आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बुक पढ़ोगे, सिंस यू आर हैव टाइम, सो गो अहेड विद दैट बुक, फ्रॉम दैट प्लीज रीड आउट मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट. लिटरली आप ऐसे सर रखोगे कि, मतलब मैंने तो ना 2-3 दिन आई वॉज इन अ शॉक, कि लिटरली कंप्यूटर की मेमोरी इतना सारा करती है. वो हमें ऐसा जताती है, कंप्यूटर की मेमोरी या प्रोसेसर, कि मेरे पास ना, मतलब आपके पास जब मेहमान आ रहे हैं ना, तो मेहमानों को आप बताते हो कि मेरे पास ना इतनी जगह है कि 4000 पीपल कैन ऑक्यूपाई इन टू माई होम. ठीक है, कितना एग्जैगरेट करके बता रहे. तो मेंबर्स को पता नहीं है एक्चुअली जगह कितनी है. तो लिटरली हमें फूल बनाया जाता है फ्रॉम प्रोसेसर से. दैट इज योर वर्चुअल मेमोरी, जो आपने फर्स्ट ईयर में शायद थोड़ा बहुत नॉलेज लिया होगा, वर्चुअल, विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट. आप आपके मोबाइल फोन में वर्चुअल मेमोरी देखोगे ना, दिखाई नहीं देगी. रैम रोम आप देख सकते हो, नॉट ओनली इन मोबाइल फोन बट इन कंप्यूटर ऑल्सो यू कैन सी रैम रोम, वर्चुअल मेमोरी, जो एक्चुअली में इमेजिनरी पार्ट है, डजंट एग्जिस्ट फिजिकली. ये सिर्फ सोचा है, इमेजिनेशन में है. इट इज एक्चुअली वेरी क्रूशियल पार्ट, विल नॉट गो इन टू दैट, बट ये थर्ड लेक्चर है, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना था आपको. सो तब तक आई विल होप दैट कि डायग्राम सबका हो गया है. वॉट नेक्स्ट, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. हमें इंटरफेस करना है, ये जो मेमोरी का ब्लॉक है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना है. वी एक्चुअली डिस्कस इनफ अबाउट इट, बहुत डिस्कस करके हो गया है.
कल से हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि ये एड्रेस बस कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जो P0 है और नीचे P2 है माइक्रो कंट्रोलर का, वहाँ पे कनेक्शन होने वाला है। डेटा बस कहाँ पे जाएगा, P0 जो है वहाँ पे डेटा बस जाने वाली है। रीड कहाँ पे जाएगा, टू पोर्ट 3। राइट कहाँ पे जाएगा, पोर्ट 3 में जाएगा। लेट मी नो वेयर दिस चिप सिलेक्ट विल गो, चैट बॉक्स में लिखो मुझे चिप सिलेक्ट कहाँ पे कनेक्ट होगा माइक्रो कंट्रोलर को। पिन नंबर बताओ माइक्रो कंट्रोलर का, मेमोरी से चिप सिलेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर में, वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, पिन नंबर बताओ, चेक करो 29 है या कुछ है, कंफर्म करो, मैं डायग्राम रखती हूँ आपके सामने। सो ये डायग्राम है, हाँ PSEN, बट मुझे PN नंबर चाहिए 29, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। तो ये अभी हमें समझ में आया, मैं अभी आपको बताती हूँ कि डायग्राम कौन सी है। ठीक है, थोड़ा कूली लेने वाली हूँ, बट वो शायद जब हमने मेमोरी देखी थी ना, तब मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट द एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन। ठीक है, मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल स्टॉप प्रेजेंटेशन फॉर 2 मिनट्स, और मुझे आपको वो डायग्राम दिखाना है विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम विदाउट माई असिस्टेंस। मुझे पता नहीं वो कितना नजर आएगा, ठीक है, ये डायग्राम जो है वो आपको खुद से निकालना है ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, अभी तो नहीं। पूरा रेफरेंस बुक का पेज भर के डायग्राम है, वो आप अकेले निकालने वाले हो, मैं कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ। एज यूजुअल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम, आप इसका कनेक्शन इसके साथ करो, तो आपको वो कनेक्शन करते जाना है। एंड इफ पॉसिबल कंसिडर द टोटल पेज। तो इस हफ्ते के लिए नेक्स्ट वीक तक आपको क्या करना है, ये 2 लेक्चर आज का और कल का थोड़ा रिवाइज करना है, और मैं एंड में कुछ टास्क देने वाली हूँ आपको, वो मुझे मेल करके भेजना है। अगर अभी टाइम बचता है तो हम अभी कैलकुलेशंस करने वाले हैं, वो सिंपल है, बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन है। अगर टाइम नहीं है तो आपको मुझे मेल करना है वो असाइनमेंट का, जो मैं स्क्रीन पे देने वाली हूँ, ठीक है। मीनवाइल आप क्या करोगे, जैसे मैं करती हूँ कि ये वाला जो डायग्राम है, आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन वन मोर टाइम। जैसे अभी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा ना, द इंटरफेसिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर विथ मेमोरी, ठीक है, तो वो वाला डायग्राम, दिस डायग्राम आपको ट्राई करना है एट योर लेवल। नेट पे नहीं देखना है, कंडीशन अप्लाई, ये जो मैंने डायग्राम अभी रेफरेंस बुक में दिखाया ना, वो आपको नेट में नहीं देखना है, कहीं पे भी नहीं देखना है, आपको खुद को डिजाइन करना है। आपके पास सब रेडी है, आपको पता है रीड कहाँ पे कनेक्ट करना है, राइट कहाँ पे कनेक्ट करना है। एड्रेस लाइंस आपको मेमोरी का साइज दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। अगर एड्रेस लाइंस का आंसर आपको सिर्फ 8 आता है, तो आप सिर्फ क्या यूज करने वाले हो, पोर्ट 0। अगर 9 आता है तो क्या करोगे, पोर्ट 0 पूरा यूज करोगे, और पोर्ट 2 में से आपको 0th बिट यूज करना है, ठीक है। यस, गुड मृणाल, यू आर क्वाइट अर्ली टू गिव आंसर। यस, 10 है तो उसके नेक्स्ट P2.1, दैट्स गुड। तो फिर डेटा लाइंस हमेशा जो हम कनेक्शंस देखने वाले हैं उसमें हमेशा ये वाला पार्ट जो है वो डेटा लाइन है, तो वो हमेशा कहाँ पे कनेक्ट होगा, P0 को। डायरेक्टली यहाँ से 8 लाइंस निकालने हैं, एंड दैट यू हैव टू कनेक्ट इट टू पोर्ट 0, दैट्स इट। तो ये डायग्राम जो है वो आपको खुद को डिजाइन
करनी है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ एज अ डिजाइन इंजीनियर. तो नेक्स्ट ट्यूजडे तक यू आर अ डिजाइन इंजीनियर. वॉट यू हैव टू डिजाइन? यू हैव टू डिजाइन अ पार्ट फॉर द इंटरफेसिंग ऑफ दिस मेमोरी विथ माइक्रो कंट्रोलर. मैंने अभी यहाँ पे मेमोरी फर्स्ट ली है, माइक्रो कंट्रोलर बाद में लिया है. बट अगर आप मेमोरी इस साइड पे रखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स यू. यहाँ पे क्या करना है माइक्रो कंट्रोलर में, मैंने देखो ब्लॉक दिखाया है, नॉच नहीं दिखाया है. अगर आप नॉच नहीं दिखाते हो तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे भी कुछ भी पिन लिख सकते हो, बिकॉज इट बिकम्स अ ब्लॉक डायग्राम. मतलब मुझे क्या कहना है, अगर मैंने यहाँ पे नॉच निकाला तो कंपलसरी मेरा पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 20 यहाँ पे, 21 से 40. ठीक है, मैंने नॉच नहीं निकाला, मैंने सर ब्लॉक निकाला, तो आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी. मैं यहाँ पे भी VCC लिख सकती हूँ, यहाँ पे ALE लिख सकती हूँ, AL PSEN इस साइड पे लिख सकती हूँ. फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन टू यू. सो होल एंड सोल आपको दो काम करने हैं, एंड में जो स्लाइड आएगी उसका थोड़ा कैलकुलेशन करना है, वो 2 मिनट में हो जाएगा 100%, क्योंकि 2:2 समथिंग वाला फॉर्मूला है. सेकेंड, नेक्स्ट ट्यूजडे तक आपको डिजाइन इंजीनियर का रोल प्ले करना है, जहां पे ये आप डायग्राम लेके आओगे, और पॉसिबल है तो डायग्राम का फोटो निकाल के मुझे मेल भी करो, तो मैं चेक करती हूँ कि कितने लोगों को वो आया है, कंडीशन क्या अप्लाई है. हमेशा टास्क के नीचे स्टार रहता है ना, बहुत छोटे, तो आपको भी स्टार है. नेट पे चेक नहीं करना है, दैट टॉपिक डाल के डोंट चेक योर डायग्राम ऑन टू इंटरनेट. और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे का जो टाइमिंग है दैट इज कंफर्टेबल टू टेक अ डाइजेस्टिव टॉपिक, आज का थोड़ा हम लाइट ही रखते हैं, इसलिए नेक्स्ट ट्यूसडे डोंट बंक लेक्चर, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप कंट्रोलर सीख रहे हो, तो आई वॉन्ट यू टू राइट दैट थिंग इन टू योर रेज्यूमे दैट यू नो एम्बेडेड सिस्टम. वो आपको एडवांटेजियस पार्ट है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इम्पोर्टेंट है. तो ठीक है, एक्स्ट्रा की बातें बहुत हो गई, नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब नेक्स्ट स्लाइड, अभी कितने हैं, 12:45 है ना, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी नेक्स्ट 5 मिनट्स, दैट इज इम्पोर्टेंट. मेमोरी जब हम डिक्लेयर करते हैं, जनरली वी डिक्लेयर द मेमोरी इन दिस फैशन, दैट इज 128, ये एक्स नहीं है, वी कॉल इट एज अ बाय 8. आप नोटबुक में लिख सकते हो 128, ये रीड कैसे करना है, 128 बाय 8. ठीक है, ये एक्स नहीं है, इसको हम बाय बोलते हैं. तो आप जो यहाँ पे लिखा है मैंने 128 बाय 8, उसके आगे यहाँ पे बाय वर्ड लिख सकते हो, तो बाद में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये प्री रिक्विजिट है फॉर द डायग्राम. हमेशा क्या कहने वाले हैं, दे विल गिव यू द साइज ऑफ द मेमोरी दैट इंटरफेस 256 बाय 8 मेमोरी विथ माइक्रो कंट्रोलर. सो इस मेमोरी के कैपेसिटी, वी कॉल इट एज अ कैपेसिटी ऑफ दैट मेमोरी. व्हाट इज द कैपेसिटी? कैपेसिटी इज 128 बाइट्स. ये जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर से हमें क्या मिलने वाला है, एड्रेस लाइंस, ये आप लिखते जाओगे नोटबुक में. फिर जो सेकंड पार्ट है, बाय के बाद या एक्स के बाद जो नंबर आ रहा है, दैट नंबर विल आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी डेटा लाइंस आर देयर. हमने मेमोरी साइज
या कैपेसिटी जो दी है उसमें से दो पार्ट किए. द फर्स्ट पार्ट विल गिव यू एड्रेस लाइन, द सेकंड पार्ट विल गिव यू डेटा लाइंस. ठीक है, जो अभी के लिए फॉर माइक्रो कंट्रोलर ये डेटा लाइंस हमेशा 8 रहने वाले हैं, तो ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा फॉर माइक्रो कंट्रोलर. अगर आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंटरफेसिंग रहता तो कभी वो 4 रहता, कभी 16 रहता, कभी 32 रहता. तो अभी हमने क्या समझा, अगर ये दिया है तो उसमें से फर्स्ट नंबर विल यूज टू कैलकुलेट द एड्रेस लाइंस एंड सेकेंड नंबर विल यूज टू कैलकुलेट द डेटा लाइंस. ठीक है, तो ये पूरी कैपेसिटी है 128. तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है दैट इज 2:1 समथिंग शुड बी इक्वल टू 128. तो मैंने क्या किया, 2:1 डाला. 2:1 इज 2, इज इट इक्वल टू 128? नो. सो मैंने वो जो नंबर है पावर वाला या रेस्टू वाला वो चेंज किया. नाउ आई विल यूज 2:2. सो 2:2 मीन्स 4, सो इट इज नॉट इक्वल टू 28. 2:3 लिया मैंने, 2:3 इज 8, अगेन इट इज नॉट 128. 2:4 लिया, इट इज 16, अगेन इट इज नॉट 128. ओके, 2:4. सो नेक्स्ट 2:5, इट इज 32. 2:6, इट इज 64 एंड 2:7 इज 128. अगर ऐसे ओरली नहीं करना है, यूज डायरेक्ट कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में जाके, जैसे मैं अभी स्क्रीन पे यूज कर रही हूँ, सो जस्ट यूज दिस कैलकुलेटर टू वेर इज द रेस्ट टू 2:7. कैन यू सी इट इज 128. तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको पता चलेगा दैट 7 मीन्स योर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन. दिस 7 नंबर, ये वाला विल गिव यू एड्रेस लाइन्स. तो हमने क्या किया, 128 का ढूंढा, 2:\ शुड बी इक्वल टू 128. तो हमें आंसर मिला 7. जो 7 है मतलब उसमें 7 एड्रेस लाइंस रहेंगी. सो विल यूज फ्रॉम A0 टू A6, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल कितने हो गए, 7. सो A0 टू A6. और हमें डेटा लाइंस कितने हैं, 8 डेटा लाइंस आर देयर. सो वी विल लेबल देम फ्रॉम D0 टू D7. सो डू यू हैव एनी डाउट विद दिस? अगर कुछ डाउट है तो पूछे है. हाँ, नाउ स्नेहल इज आस्किंग व्हाट अबाउट A7? वी डोंट रिक्वायर दैट A7, तो हम यूज नहीं करने वाले हैं. इट इज अनकनेक्टेड, क्योंकि पोर्ट में हमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आइदर वी कैन यूज टोटल 8 पिन्स. कंपल्सरी नहीं है कि 8 पिन्स हम यूज करने वाले हैं. यू कैन यूज 8 पिन्स टोटल, और जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने आप यूज कर सकते हो. सो दैट A7 पिन फ्रॉम P0 विल बी अनकनेक्टेड, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, ओके हेमांगी. सो इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, ये सबको पता है. बाइनरी है तो 2:1 समथिंग ही रहेगा. तो अभी मुझे कैलकुलेट करके दो. टेक द मेमोरी साइज ऑफ 128. आई विल राइट इन टू चैट बॉक्स, नॉट 128, सॉरी, 256 बाय 8 इज द मेमोरी. लेट मी नो हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स एंड डेटा लाइन्स आर रिक्वायर्ड. इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुका है. सो यस, 2:8. सो कैलकुलेटर यूज करो. और डिजिटल में मैं बताती हूँ, मैक्सिमम फॉर्मूला विल हैव 2:1 समथिंग. सो 2:7 डालोगे तो आपका आंसर आएगा 128. हमें चाहिए 2:8 सपोज,
256, ठीक है। उसको लेबल कैसे करोगे? 8 है तो A0 से कहाँ तक आएगा लेबलिंग, वो भी डाल दो चैट बॉक्स में। गिव द रेंज A02, हाँ A02 मनोज, ओके A02 A7, दैट्स गुड। सो अभी हमारा कौन सा पोर्ट यूज होगा इस पर्टिकुलर मेमोरी के लिए? 8 डेटा लाइंस है हमारे पास, तो हमारा कौन सा पोर्ट यूज होगा? ओके सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको इतना सारा एक्चुअली ये दोनों लेक्चर्स कल का और आज का, बट आपने बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस ऐश्वर्या, इट इज P0। एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे नेक्स्ट ट्यूजडे भी ये रिपीट करना पड़ेगा एंड देन वेडनेसडे हम डायग्राम निकाल सकते हैं। यही अगर लाइव लेक्चर रहता, आई माइट हैव फिनिश द टॉपिक विद इन 2 लेक्चर्स, बट मुझे, मैं अभी चेहरे नहीं दे सकती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है कि मैं आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ, सो आई एम टेकिंग एट लाइटर नोट। हो गया फिर आज का लेक्चर हमारा, दो ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे हमारे, पहले तो एली PSEN EA के बारे में हमें ध्यान में रखना था, और सेकंड जो अभी कैलकुलेट किया, इतना ही था आज का लेक्चर, ज्यादा कुछ नहीं था। स्टिल वी हैव 10 मोर मिनट्स, तो अभी आपके लिए टास्क ये आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले तो नोटबुक में लिखो, जिनको अगर किसी को स्क्रीन नहीं नजर आ रही है तो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है 256 by 8, पहले लिख लो नोटबुक में और फिर चैट बॉक्स में, अगर चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है आपको, ये आपका होमवर्क है। मुझे मेल करना है आपको ये डायग्राम के साथ, अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो आंसर्स मेल करें मुझे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्क्रीनशॉट, अगर आप निकालते हो इस स्क्रीन का इट विल बी बेटर। जिनको पॉसिबल नहीं है, जैसे मेरे मेरे साइड में, मैं नोटबुक में लिख लेती इफ आई वाज अ स्टूडेंट, क्योंकि नोटबुक में मैं देखती थी, मोबाइल का फोटो वैसे ही रहता था। अभी हैबिट है टू टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 256 by 8, सेकेंड 1K, K मतलब किलो, और किलो मतलब 2 रेस टू 10, ये आपके नोटबुक में लिखो, 1K, 1K मतलब 2 रेस टू 10, सो सेकेंड का आंसर आ जाएगा 2 रेस टू 10। मैं कैलकुलेटर पे बताती हूँ आपको, यस 1024, यू आर राइट श्रेया, 2 रेस टू 10। टू रेस टू टेन, सो इट इज 1024। अब वी कॉल इट एज अ 1K, बट इट इज एक्चुअली 1024 bytes। सो सेकेंड का आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एड्रेस इज इक्वल टू 10। आपको लग रहा होगा ये सिंपल, बट है सिंपल नहीं। ये आपको लिखते वक्त कैसे लिखना पड़ेगा, टू रेस टू 1 into 2 रेस टू 10, सो टोटल विल बी 11। हाँ मुझे आंसर नहीं बताना था ना, या आप कैलकुलेट करके मुझे भेजोगे? ये लग रहा है सिंपल, बट आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। ईमेल आईडी आई एम गिविंग इन टू चैट बॉक्स,
pbheilkar@miltacsc.in, MITACSC.AC.IN. स्क्रीन पे वो मैं स्लाइड रखती हूँ. चैट बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है. सो फोर मतलब आप वो फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो 4K/8, मतलब ये 4 KB × 8. सो 8 डेटा लाइन्स विल बी देयर और 4K का आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए. 4 मतलब 2 रेस टू 2, K मतलब 2 रेस टू 10. सो द आंसर इज 2 रेस टू 2 × 2 रेस टू 10. सो 10 + 2, सो 12 एड्रेस लाइन्स वी विल रिक्वायर्ड फॉर फोर्थ. मैंने आंसर बता दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है आप ये निकाल पाओगे या नहीं. और ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे ये भेजना है आंसर्स. जैसे आप ऑफलाइन में डेटा अभी कैसे देखो, हम ऑनलाइन में है ना, तो ऑनलाइन मतलब अवर ईए पिन इज इंटरनल मेमोरी, ऑफलाइन मतलब एक्सटर्नल मेमोरी. सो ईए पिन हियर इट इज कनेक्टेड टू वीसीसी क्योंकि वी आर वर्किंग विथ ऑनलाइन. तो आपको ऑनलाइन आंसर्स मुझे भेजने हैं और जब भेजोगे ना तो मैं ये रिकॉर्ड में रखने वाली हूँ. तो पीडीएफ है, पीडीएफ का नाम कैसे देने वाले हो? SYF_SYF_ योर नेम अंडरस्कोर मेरी असाइनमेंट है तो A1, असाइनमेंट नंबर 1 है ना, तो ये A1 है ठीक है. और .PDF तो आज आ ही जाएगा. तो ऐसे आपको आंसर्स भेजने हैं. इफ पॉसिबल अर्जेंटली मत भेजो, मंडे भेजो. टेक योर ओन टाइम ठीक है, टेक योर ओन टाइम. और उसमें डायग्राम भी आने दो, डिजाइन इंजीनियर हो ना आप नेक्स्ट ट्यूसडे तक. तो ट्यूसडे तक, मंडे नाइट तक आपको ये असाइनमेंट भेजने हैं ठीक है. मैं चेक करूंगी और डाउनलोड करके रखूंगी विथ योर नेम. तो इसीलिए नाम देके रखो, आपने सिर्फ पीडीएफ फाइल गलती से भेजी तो मैं डाउनलोड करके आपके रिकॉर्ड में नहीं रखने वाली हूँ. सो आई विल नॉट हैव द डेटाबेस फॉर योर असाइनमेंट्स क्योंकि अभी ये ऑनलाइन है ना, ईएपीएन इज कनेक्टेड टू वीसीसी. तो ये ऑनलाइन में हमें, मुझे भी डेटा रखना है आपके लिए बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव द इंटरनल मार्क्स. और इस सेमेस्टर में आपका नाम यूज करना है, सेम नेम है तो यू कैन ऐड योर सरनेम आल्सो. जिनको पता है कि मेरा नाम रिपीट हो रहा है क्लास में तो सरनेम ऐड कर दो, दैट विल बी बेटर. गुड क्वेश्चन. हाँ हमारे क्लास में है दो दो या तीन नाम रिपीट हो रहे हैं तो यू कैन ऐड योर सरनेम डेफिनेटली. सो वीकेंड एंजॉय करो, आपके क्लासेस भी है तो. और मीन वाइल टेक अ एडिशनल पार्ट. जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने पूछा था यू हैव स्किल्स, तो मैं भी अपने स्किल्स इम्प्रूव कर रही हूँ, आप भी इम्प्रूव करो फॉर ऑनलाइन लर्निंग. कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू एट योर लेवल ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग. सो अगर किसी का ये रह गया है तो वो लिखो. एंड टिल द टाइम आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट.